तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो पर। और गाइस, आज मैं बाहर पे बैठा हुआ हूँ आग जलाकर। तो मैं एक बात सोच रहा हूँ, मैं चिकन लाया था थोड़ा, तो हम लोग घर में आदमी ज़्यादा नहीं है, 3 आदमी है अभी आज। तो मैंने आधा किलो चिकन लेके आया था, तो उसको मैं सोच रहा हूँ आज जो बियर का बोतल होता है कैन बियर, तो उसमें भरा के पकाऊँगा। तो देखते हैं कैसा होगा टेस्ट। तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस, ये रहा चिकन। हम लोग का यहाँ पे चिकन ऐसे ही मिलता है, देखो, पर चमड़ा का साथ में मिलता है। इस पहले चिकन को हम लोग धुला लेंगे। तो यहाँ पर गाइस चिकन है आधा किलो, तो हम लोग सिर्फ मीट वाला लेंगे, जो सिर्फ मीट है इसको लेंगे। तो यहाँ पे इतना ही लेंगे गाइस 3 आदमी के लिए। तो यहाँ पे 9 पीस और 1 पीस एक्स्ट्रा है, छोटा छोटा पीस काट देंगे इसे। हम लोग देखो चिकन को काट लिए हैं यहाँ। तो गाइस ये देखो, ये खाली बियर का बोतल है, तो इसका जो ये मठा वाला पार्ट है, इसको हम लोग चाकू से ऐसे काट देंगे। इसको हम लोग बियर बोतल को ऐसे कर लिया है यहाँ पर, इसका जो बोल को बड़ा कर लिया अभी। इसका अंदर जो है इसको अभी धुलाएंगे। धुलाने के बाद में इसका अंदर पे जो मीट है और मसाला जो हम लोग बना रहे हैं उसको डाल देंगे इसके अंदर पे। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग का केला का पत्ता है, कोलपात बोलते हैं हम लोग, तो उससे इसको ढक्कन लगा देंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़ा सा प्याज, और यहाँ पे डालेंगे हल्का सा हल्दी थोड़ा कलर के लिए सिर्फ। तो गाइस यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा एम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पे 2 ढक्कन काफ़ी है इतना, जितना स्वाद के अनुसार नमक का डाल देंगे यहाँ पर, लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग डाल दिए हैं थोड़ा सा ये चिकन मसाला है, हम लोग इसको पूरा मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये देखो कितना बढ़िया से मिक्स कर रहे हैं, पूरा मीट में पूरा मसाला अंदर तक घुस जाएगा, थोड़ा देर रख देंगे इसको। तो गाइस हम जो बियर बोतल धुला के रखे थे, कैन का बियर जो है, इसको हम लोग अभी सफा कर लिए, पर धुला लिए हैं। तो इसके अंदर में जो मीट है हम लोग डाल रहे हैं, देखो इसे देखो गाइस, ये पूरा भर्ती हो जाएगा शायद, इतना हो गया गाइस। तो इसका ऊपर हम लोग डालेंगे हम लोग मिर्चा। तो गाइस यहाँ पर आग जल रहा है, तो यहाँ पे केन बियर का जो बोतल है उसके अंदर में जो मीट है यहाँ पे रखे हैं। मैं अभी लेने जा रहा हूँ केले का पत्ता इसको ढकने के लिए। तो गाइस ये है केले का पत्ता, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, करने के बाद पे इसको यहाँ पर डाल देंगे ऐसे, जो बियर का बोतल है उसका अंदर पर डाल देंगे। देखो बंद हो गया, यहाँ पे रख दिए हैं गाइस। अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा बनने के लिए ये। और गाइस यहाँ पर उबलने लग गया है, देखो आवाज़ कर रहा है धब्बा जो। तो ये हम लोग यूनिक स्टाइल गांव में हम लोग ऐसे कभी कभी बना के खाते हैं, खास करके मछली को, छोटा छोटा मछली होता है जो, तो उसको हम लोग ऐसे डब्बा में या जो बेम्बू का हम लोग सूंगा बोलते हैं उसमें पका के खाते हैं। तो उसको घुराते रहना पड़ेगा गाइस, नहीं तो जल भी सकता है अंदर पे। तो ये कैन जो है एल्युमिनियम का होता है, तो एल्युमिनियम थोड़ा जल्दी मतलब गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। आवाज़ सुनो, आवाज़ पूरा उबल रहा है, बहुत टेस्टी लगने वाला गाइस। मैं तो अभी से मुंह से पानी निकालने लग गया है गाइस। गाइस ये है खेतना, हम लोग बोलते हैं खेतना, ये चिंता है बम्बू से बनाया है, देखो ये गाँव पे ऐसे चल रहा है। और यहाँ पर देखो ये डब्बा पक रहा है, थोड़ा काला हो गया, देखो देखा ये पकने वाला है गाइस, थोड़ा बाकी है पकने के लिए, तो उसको फिर आग में डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, देखो इस तरह से। और गाइस यही है हम लोग का आज शाम का स्पेशल चिकन इन कैन बियर, तो कैन बियर खाने वाला कैन बियर है।